साहस सरोकार। प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। हमारे दैनिक कार्यक्रम समय चक्र में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष पंडित रविशंकर जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि क्या है आपके ग्रहों की चाल और क्या कहता है आपका आज का राशिफल और साथ ही क्या कुछ समाधान उसके आज आपको मिलेंगे। तो चलिए रुक करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम का। पंडित जी, यूं तो हर एक दिन का कुछ ना कुछ पंचांग होता है, आज का पंचांग क्या कुछ कहता है? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शनि शनिचराय नमः, ओम शन शनिचराय नमः, ओम शन शनिचराय नमः, ओम शन शनिचराय नमः। जी, आज का पंचांग विक्रम संवत 2080 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी दिन शनिवार, नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है, चंद्रमा आपका कर्क राशि में स्थित, सूर्योदय 6:17 सुबह और सूर्यास्त शाम को 5:21 पर। तो ये तो रही पंडित जी पंचांग की बात, अब रुक करते हैं सीधा राशियों की ओर। सबसे पहले पंडित जी हम जानना चाहेंगे कि मेष वृष और मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? जी, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने का आसार है, साथ ही आपको भवन वाहन लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, आप ले सकते हैं और आपके लिए पूरा दिन व्यस्त रह सकता है, बिजी शेड्यूल आपका रहेगा। वहीं दूसरी राशि वृषभ राशि वालों के परिश्रम के अनुसार धन लाभ के योग बन रहे हैं, साथ ही व्यापारी अगर है, आपकी वृषभ राशि है, तो आपको मुनाफा मिल सकता है, अच्छा खासा मिल सकता है, स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें। तीसरी राशि मिथुन राशि वालों के लिए कार्य में प्रगति आएगा, साथ ही आपको थोड़ा सा रास्ता का विशेष ध्यान रखना होगा, जो सही रास्ता हो वही अपनाएं और आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। पंडित जी, कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आया है? कर्क राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में परिश्रम से लाभ होगा, खर्च अधिक रहेगा, साथ ही आपको परिवार का ध्यान रखना होगा, पुत्र से शुभ समाचार आपको मिल सकता है। पांचवी राशि आपकी सिंह राशि वालों के लिए धन लाभ के योग हैं, लेकिन उसके साथ शारीरिक कष्ट भी आपको हो सकता है, तो उसका ध्यान रखें, मानसिक अशांति रहेगी, वाणी पर नियंत्रण रखें। छठी राशि कन्या राशि वालों के लिए सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, नए व्यापार कार्य शुरू होंगे, साथ ही खर्च पे थोड़ा आप नियंत्रण रखें, कार्य सिद्धि योग बन रहे हैं, आपको धन लाभ के प्रबल योग हैं। तो देखिए, ये तो रही तीन राशियों की बात, अब जानना चाहेंगे तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान आखिर क्या है? तुला राशि वालों के लिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, व्यापार में बढ़ोतरी के योग हैं, आय के नए मार्ग खुलेंगे, लेकिन आपको अपने मन को शांत रखना होगा, तो और भी आपके दिन अच्छा रहेगा। आपकी आठवीं राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए आपको अच्छा योग आपके राशि के अनुसार आज बन रहा है, आपका समय अच्छा जाएगा, यात्रा से आपको लाभ हो सकता है, साथ ही धन के संयोग बन रहे हैं, धन के आवागमन के संयोग बन रहे हैं, धन आपके पास अच्छा प्रचुर मात्रा में आएगा, हनुमान जी की उपासना करें और फिजूल खर्ची से बचें। आपकी नवम राशि जो है धनु राशि वाले धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, अपने किसी बड़े सज्जन से आपको सम्मान मिल सकता है, साथ ही आपके जो दिन आज का रहेगा बहुत अच्छा रहने वाला है, आप
परंतु किसी ऐसे परिजन से भी आपको मुलाकात हो सकती है जिससे कि थोड़ा बहुत आपको पीड़ा हो सकता है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। पंडित जी, अब आखिरी तीन राशियों की बात करते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? देखिए, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा कष्ट भरा रह सकता है। आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, साथ ही आपको चोट चपेट भी लग सकती है, तो उसका विशेष ध्यान देना है। आप माता पिता का आज्ञा का पालन करेंगे तो अच्छा दिन जाएगा और इस सारे कष्टों से आप बच सकते हैं। आपकी 11वीं राशि बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए धन लाभ के योग हैं, परंतु आप फिजूल खर्ची से बचें, अनावश्यक विवाद में ना पड़े, साथ ही आपको नए व्यापार शुरू करने का मौका मिल सकता है या किसी से ऑफर मिल सकता है। आपका दिन शुभ रहेगा। आखिरी राशि मीन राशि वालों के लिए कठिन परिश्रम करने का बाद भी आपका मन अशांत रहेगा, साथ ही आपको धन संचय पर नियंत्रण रखना होगा। उसके साथ ही आपको आज विशेष पीले चीजों का दान करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं थोड़ा बहुत आपको मानसिक असंतुष्टि महसूस होगी। देखिए पंडित जी, यूं तो आपने हर एक राशियों का जिक्र किया, लेकिन अब जानना चाहेंगे कि किस राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है और किस राशि वालों को आज के दिन ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, अगर आपका शनि कमजोर है या भारी है या आपके कुंडली में ऐसी जगह पे बैठा है जहां से आपको नुकसान दे सकता है, ठीक है, तो आप शनिवार के दिन सुबह अपने स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और उस जल में अगर हो सके तो काला तिल और काला उड़द डालें और 7 बार परिक्रमा करें। शाम को शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाएं, ओम शनि शनिचराय नमः का जाप अगर हो सकता है तो कर लें। उसके साथ ही अगर आप हनुमान जी की पूजा करें तो और भी विशेष आपके लिए रहेगा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ आप कर सकते हैं। साथ ही आपको शनिवार के दिन कोशिश करें काले चप्पल, काले कपड़े या आप लोहे से संबंधित कोई कार्य या आपको सरसों का तेल कोई प्रकार का ना खरीदें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये सब चीज़ें ना खरीदें शनिवार को तो आपका शनि आपके प्रभाव के अनुसार कार्य करेगा और आपको कार्य सिद्धि मिलेगी। ये तो देखिए पंडित जी, आपने हर एक राशियों के बारे में बताया और क्या कुछ उपाय करने की जरूरत है, अगर कोई समाधान है तो उसके बारे में भी बताया, लेकिन आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल रहने वाला है? देखिए, शनि की जो दृष्टि है आज के पंचांग के अनुसार वो अपने कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, उनकी जो दृष्टि होती है 3, 7, 10 वो दृष्टि आपके कुंभ में बैठे हैं तो आपके वृषभ राशि पर पड़ रही है, तो ऐसे लोगों को भी सावधान रहना होगा। साथ ही वृषभ के साथ आपकी जो सप्तम राशि है वो उस कन्या राशि वालों के लिए विशेष ध्यान होगा और मकर कुंभ राशि वालों के लिए तो शनिवार का दिन है, आपको उपाय करना चाहिए तो आपके लिए दिन अच्छा होगा। तो देखिए पंडित जी, ये तो रही तमाम राशियों की बात, लेकिन लगातार इस कार्यक्रम के दौरान ही मेल के जरिए काफी तरीके के सवाल भी हमारे पास आ रहे थे। तो एक सवाल गोंडा से तनु का आया है जिसमें तनु ये कहती हुई लगातार नजर आती है कि उनका सवाल कुछ इस तरीके से है कि उनकी लगातार तबीयत खराब रहती है और उनके घर वाले ये मानते हैं कि अगर शनिवार के दिन वो अपने बालों को धोती हैं या कोई भी उनके घर की महिला बालों को धोती है तो उसका एक बड़ा कारण है जिस वजह से तबीयत खराब रहती है। देखिए, शनिवार के दिन वैसे आपको नाखून बाल नहीं काटने चाहिए, अगर आपको काटना है इस सब को ज्योतिष शास्त्र को आप मानते हैं तो शनिवार को अवॉइड करें। अगर आपका शनि अशुभ स्थिति में बैठा है आपके कुंडली में या अस्त का बैठा है, नीच का बैठा है, तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आप नाखून बाल ना काटें, हो सके महिलाएं तो बाल भी ना धुलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और शनि की उपासना करें। अगर व्रत रख सकते हैं तो रखें, खिचड़ी भी आप दान कर सकते हैं, खिचड़ी बनाकर जो आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार दान करें तो शनि आपको अच्छा फल देंगे। और न्याय के देवता होते हैं शनि महाराज, जो होते हैं शनि ग्रह जो हैं
कुंडली में वो न्याय के देवता होते हैं। तो आप कोशिश करें कि सबके लिए अच्छा सोचें और सभी के लिए अच्छा करें, तो महाराज शनि आपके लिए अच्छा करें। देखिए ये तो पंडित जी, हर एक दिन का कुछ ना कुछ विशेष जरूर होता है, आज के दिन का आखिर विशेष क्या है? देखिए आज का दिन का विशेष ये है कि अभी आपको, अगर आप शनि से पीड़ित हैं, शनि आपको परेशान कर रहा है, तो शनिवार का उपाय करें। अगर आप उपाय नहीं कर पा रहे तो ऐसा करें कि आप किसी गरीब को अन्न दान करें, अन्न के साथ अगर हो सकता है तो उसको वस्त्र दान करें। साथ ही आप विशेष में ये देखेंगे कि लोहे, अगर आपका शनि आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है, आप जानते हैं कि मेरा शनि खराब है, तो आप अपने हिसाब से शनिवार के दिन काले चीजों का दान करें और वो किसी गरीब जरूरतमंद को देंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर लगेगा। लेकिन कोशिश करें कि उस दिन ना खरीदें, आप पहले खरीद के रख लें और फिर आप उस दिन दान करें। अपने श्रद्धा अनुसार जो भी कुछ हो सकता है आप करेंगे तो आपके जीवन में विशेष प्रभाव जरूर पड़ेगा और आपको अच्छा मार्ग जरूर मिलेगा। तो हमारे दैनिक कार्यक्रम समय चक्र में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और जानेंगे कि आपके हर एक समस्या का समाधान क्या है। तब तक के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस